हाँ तो वेलकम बैक गाइस। और क्या हाल चाल है सबके। तो भाई दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जिनकी मूवी सिर्फ मूवीज ही नहीं होती दोस्तों, बल्कि लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर प्ले करती है। तो भाई जेम्स कैमरॉन को ट्रिपल आर मूवी इतनी पसंद आई कि भाई उन्होंने मूवी एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार इस फिल्म को रिपीट कर करके देखा है। एक अवार्ड फंक्शन में SS राजामौली से मिले और गाइस इन्होंने बहुत अच्छी कन्वर्सेशन की ट्रिपल आर मूवी के रिगार्डिंग। और भाई SS राजामौली ने उनके लिए एक पर्टिकुलर ट्वीट भी किया है। द ग्रेट जेम्स कैमरॉन वॉच ट्रिपल आर, ही लाइक्ड इट सो मच दैट ही रिकमेंडेड टू हिज वाइफ सूजी एंड वॉच इट अगेन। सर आई स्टिल कैन नॉट बिलीव यू स्पेंट अ होल 10 मिनट्स विद अस, एनालाइज अवर मूवी एज यू सेड आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थैंक यू बोथ। तो गाइस ये तो जितने भी सेलिब्रिटी है ना अभी तक जिन्होंने ट्रिपल आर मूवी को पर अपना रिएक्शन दिया, ये रिएक्शन सबसे टॉप है। और भाई SS राजामौली को इन्होंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा है। How that must feel. It's how that was surprised and says your audience, your core, oh my, it must feel. And I'm sure it's a bonus round for the big one. What she must do is to welcome your cultures. It's okay, no, don't. और भाई जब MM किरावानी ने ट्रिपल आर मूवी के रिगार्डिंग जेम्स कैमरॉन से फीडबैक मांगा तो भाई उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है पता है, ओशियन फुल ऑफ एक्साइटमेंट। भाई ये जो वर्ड्स है ना जेम्स कैमरॉन के, ये हर चीज से बढ़ के। गाइस अगर कोई मूवी कलेक्शन ना करे लेकिन उसको इस तरह का रिस्पॉन्स मिले तो भाई क्या ही कहने हैं। और भाई जहां तक मुझे लगता है मेरी नॉलेज में ना जेम्स कैमरॉन ने किसी 2 इंडियन मूवीज के लिए अपना रिएक्शन दिया है। एक दोस्तों दिया था उन्होंने माय नेम इज़ खान के लिए और एक ट्रिपल आर मूवी के लिए दिया है। और भाई दोनों ही टाइम्स ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है कि भाई वो हमारी इंडियन मूवीज को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और भाई ये ट्रिपल आर मूवी ना जेम्स कैमरॉन की अवतार 1 की तरह ही बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है। जिस तरह वो मूवी लगभग साल भर तक बॉक्स ऑफिस पे चली, उसी तरह से दोस्तों ट्रिपल आर भी बॉक्स ऑफिस पे चल रही है। गाइस ये मूवी हर थोड़े बहुत दिन बाद में किसी डिफरेंट टेरिटरी में रिलीज होती है और ब्लॉकबस्टर का टैग लेके वहां से हट जाती है। अभी के लिए ये मूवी जापान में बहुत ही तगड़ी ब्लॉकबस्टर हुई और सारे के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए इसने प्रीवियस इंडियन मूवीज के। और भाई लास्ट टाइम जो ट्रिपल आर मूवी का ग्रॉस कलेक्शन बताया गया था वो भाई 1100 करोड़ कुछ था, लेकिन गाइस आज के टाइम में ये मूवी 1150 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। और भाई आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई ये मूवी डेफिनेटली कुछ दिन बाद में KGF का जो ग्रॉस कलेक्शन है 1200 करोड़ उसको भी डेफिनेटली बीट कर डालेगी। तो भाई ये SS राजामौली की ट्रिपल आर मूवी सिर्फ मूवी नहीं है गाइस, ये इमोशन है हमारे हिंदुस्तान के। भाई इतना ज्यादा इस मूवी ने हमारे इंडिया का नाम रोशन किया है। और भाई बात करें अगर इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तो भाई उसमें तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स ये मूवी ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। गाइस आप लोग क्या कहना चाहते हैं भाई इसके अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और भाई आप सभी लोगों के लिए मेरी एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये, जिन लोगों की भी मेरी फेस कैम वीडियो देखनी है गाइस वो जाके मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर दोस्तों मैं अपनी क्लियर फेस कैम वीडियो बनाता हूं, आप सभी लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।